हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए शाह यंग आईएएस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डेली के एसएससी सीजीएल के डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज का टॉपिक हमने मैथमेटिक्स के इंडाइसेस सर्च चैप्टर से लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 नंबर्स के। तो इंडाइसेस सर्च में क्या होते हैं, आपको फार्मूले कुछ हैं वो हम बताते हैं, वही फार्मूले के हमने क्वेश्चन आगे लिए हैं। तो फार्मूला सबसे पहले बताते हैं फार्मूला क्या है। ये जो जितने भी क्वेश्चन लिए हमने ना पावर में इंडाइसेस और इसमें, सो फार्मूला बताते क्या है। फार्मूला है अगर कोई भी नंबर या कुछ भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3 या ABCD जो भी कुछ दिया हुआ है, तो इसके वजह से फार्मूला निकाला गया है उसमें इंडाइसेस सर्च में। a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये कैसे है बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे a जो हमारा बेस है, वो हमारा बेस हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर अगर आपको दिया है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, तो हमारा बेस अगर हमारा बेस इक्वल है तो हमारे जितने पावर्स रहेंगे ना आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 3। इसको ऐसा ले तो ये फॉर्मूला ये है, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। दूसरा फार्मूला एक है a पावर m बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये कैसे आया, हम a पावर a बाई n इसको करेंगे, ऊपर करते हैं हम लोग, तो ऊपर हम लोग जब इसको स्क्वायर में लेते हैं या रूट स्क्वायर में लेते हैं, पावर में लेते हैं, तो ये होता है a पावर माइनस n होता है, बराबर। सो a पावर माइनस n यहाँ पे होता है, यहाँ पे a पावर m दिया होता है, यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं a पावर m इंटू a पावर माइनस n दिस इज इक्वल टू a पावर m प्लस माइनस n, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वहाँ पे क्या पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमने पावर को जोड़ा है, तो यहाँ पे साइन क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे करेंगे प्लस और माइनस का जो ये होता है मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस n, जो कि हमारा ये फॉर्मूला आया है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं a पावर n, या इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला हो गया a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। और a कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, सो एक और फार्मूला है a पावर m होल पावर ऑफ n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। यहाँ पे जितने भी रहेंगे, जितने भी हमारे जो पावर पावर के जितने भी पावर आएंगे ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमारा कैश कैसे बना, आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कोई भी वर्ड कोई भी नंबर दिया हुआ 2 पावर 2 होल पावर 3 है, तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू, ये तो एक हो गया, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2, क्योंकि हमें क्यूब दिया है ना, और हमारा जो है ये मैंने इसको a मान लिया है, तो a इंटू a इंटू a दिस इज इक्वल टू a क्यूब होगा ना, तो a क्यूब मैंने इसको a माना है, तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे पावर दिया, यहाँ पे इसको ऐसा भी तो कर सकते ना, 2 2 आपस में जुड़ेंगे कितना होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दिस इक्वल टू 6 होगा, 2 4 6 2 2 4 4 4 12, तो 12 हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी 12 नहीं होगा, यहाँ पर 12 ही होगा, पर इसको ऐसा हम लोग नहीं सकते, हम लोग यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे एक एक है ना स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6 इसको हम लोग 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं ना, दिस इक्वल टू 6। तो यही फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया, जो फॉर्मूला बनाया गया है यही फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए आज के क्वेश्चन जितने भी हैं, सो ये फॉर्मूले पे है। और एक और है, अगर कोई भी नंबर्स हो उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर रहेगा, दिया 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो, कोई भी नंबर रहेगा या कोई भी अलजेब्रा है, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, उसके जगह पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। सो यही बेस्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 64 टू द रेज वाई 2/3 इंटू 2^-2 डिवाइडेड बाई 8.0^0 ब्रैकेट 1 टू द होल रेज ऑफ 1/2. सो यहाँ पे 64 का अगर हम एक फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64. इसको सब 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 तो 1 1 6, तो इसको सब 2^6 भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो 2^6 होल पावर 2/3 कैसा है, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिया a^m होल पावर n. से हमने इसको बताते यहाँ पे क्या m इंटू n हो जाएगा ना यहाँ पे, इसको हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे 2^6 इंटू 2/3 सेम इंटू 2^-1/2 को ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा ही क्योंकि हमारा जो है बेस बराबर आ रहा है तो हमको सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा. तो हमको इसको ऐसा ही करते हैं एंड डिवाइडेड बाय 8.0. हमने बताया था कोई भी अगर नंबर्स या कोई भी वैल्यू रहेगा, कोई भी अलजेब्रा कुछ भी हो सकते हैं, जिसका पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. तो 1 को हम लोग ऐसा भी आप अगर कोई भी नंबर को 2.0 भी हम लोग क्योंकि हमको बेस को इक्वल लाना दोनों को, तो हमने इसको 2.0 भी कर सकते हैं. इसका एक और भी है, हम लोग इसको 2^3 भी कर सकते हैं और दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर 2^3 होल स्क्वायर ऑफ 0 ऐसा भी कर सकते ना, क्योंकि 3 × 0 करेंगे 0 ही होगा और 2³ दिस इज इक्वल टू 8. सो हम लोग इसको ऐसा कर दिए तो हम लोग करेंगे तो 3 × 0 इक्वल 0 हो जाएगा. सो दिस इज होल पावर ऑफ 1/2. सो सॉल्व करते इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2 × 4 क्या होगा, 2^4 कितना होगा, 2 × 4 इंटू 2^-2. इसको ऐसा भी कहते हैं डिवाइड है यहाँ पे इसको 1/2^0 भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिवाइड होता है कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो कोई भी नंबर रहेगा 1/ का ऑप्शन क्या होता है, 1/10 जैसे यहाँ पे जो है 10/5 उनको 10/5 करते हैं, सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं. तो 1/2.0 एंड होल पावर ऑफ 1/2. सो सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पे इसको भी ऊपर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर 0 को हम लोग ऊपर लेंगे तो माइनस जो होल नंबर है ना, ये पॉजिटिव होता है ना ये निगेटिव होता है, ये होल नंबर है. सो करेंगे 2^4 इंटू 2^-2 इंटू 2^0 होल पावर 1/2. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे बेस इक्वल है तो हमारा क्या होगा, जितने भी ये इंटेक्स जितने भी रहेंगे हम लोग क्या आपस में जुड़ जाएंगे. तो 2^4 − 2 + 0 होल पावर 1/2. सो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 4 − 2 = 2 + 0 = 2 1/2. सो दिस इज इक्वल टू 2^ सेम हो गया यहाँ पे a^m होल पावर n. तो दिस इक्वल टू m into n. तो दिस इक्वल टू 2^ यहाँ पे लिखते हैं 2^2 × 1/2. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2. 2^1 दिस इज इक्वल टू 2. तो हमारा ये आंसर है. तो इनसे ऑप्शन कौन सा यहाँ पे है, ऑप्शन सी है. सो दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूले सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ये फॉर्मूला कैसे हमको बेस नहीं कहाँ से कैसे आई ये हमको नहीं जान ज़्यादा जरूरी है, हमको ये फॉर्मूला याद क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना यही फॉर्मूले हमने मोस्टली लिए है क्वेश्चन. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 0.000125 इसको हम लोग सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकलना कितना होगा. तो सबसे पहले इसको हम वर्ड जो है हमारा क्या है हमारा 0.000125 बराबर. अभी हमको पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने से हम लोग क्या करेंगे, उतने से हम लोग क्या डिवाइड करेंगे. इतने से अगर 0.01 है तो हम लोग 1/0/10 करते हैं,
पॉइंट तो कितने यहाँ पे, कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट हटाने के लिए, रूट ऑफ 0 0 0 1 2 5 भाई यहाँ पे करेंगे, कितने यहाँ पे जीरो, कितने नंबर से यहाँ पे है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 से बराबर कर सकते हैं हम लोग। ओके सो सबसे पहले हमारा ये आ गया, अभी आगे के जो वैल्यू होते हैं इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि 1 से पहले लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू रहेगा तो 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं 1 2 5 by 1 2 3 4 5 6 रूट ऑफ दिस। सो इसको करेंगे हम लोग ऐसे भी करते हैं, 5 × 5 × 5, 5³ = 5³ एंड दिस इज इक्वल टू 10 × 10 × 10 × 10 × 10 1 2 3 4 5 × 10, तो 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 लगा रहा बराबर। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, सो 1 2 5 बराबर, सो 5 ऐसा करते हैं, 5 by 10 into 5 by 10 into 5 by 10 square ऐसा भी कर सकते हैं। सो 5 by 10 square हो गया हमारा, ये हो जाएगा, तो इसको बाहर कर लेंगे। यानी तो एक और सिंपल मेथड भी है, आगे हम बताते हैं आपको। जैसे कि हमने बताया था आपको a पावर m into a पावर n is equal to a पावर m plus n, तो ऐसा भी है। और एक था a पावर m इंटू सॉरी a पावर m बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, एक था a पावर m फोर पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। तो हम लोग इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इसको ऐसा करेंगे हम लोग, फाइव क्यूब बराबर एंड 100 क्यूब ऐसा भी तो कर, सॉरी 100 क्यूब ऐसा भी कर सकते ना, 100 × ऐसा हम सॉल्व करेंगे तो 100 × 100 × 100 इज इक्वल टू 1 lakh, सॉरी दिस इज इक्वल 10 lakhs। सो इसको हम लोग ऐसा भी कर देंगे, 5 by 100 = 3 × 1/2 ऐसा भी कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो रहेगा ना, यहाँ पे क्यूब का रहेगा फॉर्मूला, यहाँ पे ये क्यूब रहेगा, यहाँ पे 3 है, थोड़ा क्वेश्चन में एरर है, तो हम लोग ऐसा करेंगे क्योंकि स्क्वायर इसका होगा नहीं, स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 करेंगे तो क्यूब, यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे क्यूब रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे 1/3, क्योंकि क्यूब का मतलब कोई भी नंबर सर क्यूब में आपको दिया है, यहाँ पे 25 है, सॉरी कोई भी नंबर यहाँ पे है, ऐसे 9 है क्यूब दिया है, तो 9 का मतलब ये जो क्यूब होता है ना, जो इसका जो क्यूब आएगा, ये नंबर क्या होता है, 1/3 रेज होता है, पावर होता है। तो इसको हम लोग ऐसा भी करते हैं, 3 square ये हमको 27 लेते हैं, इजी हो जाएगा, तो 27 तो 3³ × क्योंकि a पावर m पावर n, तो 3 a पावर m पावर n राइट, सो 3³ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। सेम ऐसे ही करना है यहाँ पे क्यूब रहेंगे, मतलब क्यूब रूट यहाँ पे, सो सॉल्व कर यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 3³ क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, और स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या रहता है, हिडन रहता है, यहाँ पे छिपा रहता है, तो उसको हम लोग 2 नहीं था, अगर क्यूब रहता है यहाँ पे 3 रहता है, या फिर फोर्थ क्यूब करेंगे, फोर्थ करेंगे रूट ऑफ 4, तो यहाँ पे 4, ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। सो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, 5/10 हमारा आएगा, तो सॉरी 5/100 आएगा, क्योंकि 3 × 3 × 3 = 5। ओके सो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे, नीचे 2 है
हम लोग डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, और सिंपल भी है यहाँ पे, कितना आएगा 0.05 आएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 500 यहाँ पे है, 0.0, एक बार और 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा फिर 5, हमारा कट गया, तो हमारा ऑप्शन आंसर का हमारा है 0.05। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा ये सही है, बी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर यहाँ पे, 3 क्यूब, ये क्यूब का सवाल है। सो ये टाइप जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, ध्यान से आपको ये ध्यान रखें कि कितने फैक्टर में करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है कितने नंबर करेंगे इसको। सबसे पहले हमको क्यूब बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में दिया है ना, यहाँ पे रूट क्यूब है, तो क्यूब में हम करेंगे, जिसको क्यूब के फॉर्म में करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ए पावर एम होल पावर ऑफ एन एस करें, एम इन टू एन होता है, ए पावर एम इन टू एन, तो सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। सो ये रहा, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है यहाँ पर, इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है, बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट -1/2 स्क्वायर, सॉरी -2 एंड होल -1। ओके, ए पावर एम इन होल पावर एन मीन्स ए पावर एम इन टू एन फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा बताता हूँ आपको। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे बताया था हमने हमको बॉडमोस थ्योरम में, तो -1/2 इसको हम लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ए पावर इसको हमने ए मान लिया, ए पावर एम इन टू एन, तो ये होगा -4 हो जाएगा, राइट, -4 हो गया, तो हमारा क्या बचा -1। सो -1/2 पावर -1 दिस इज इक्वल टू, मैंने ए मान लिया, वापस ए मान लिया, ए पावर एम होल पावर एन, सो यहाँ पे क्या होगा, ए पावर एम इन टू एन हो जाएगा, -1/2 पावर -4 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है। तो चलिए आपको साइन बताते क्या क्या होता है, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस आएगा। ये आपको सिंबल फॉर्मूला याद आपको रखना है कि जो साइन हमारे ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा प्लस आया, सो -1/2 पावर 4। सो सॉल्व करते इसको हम लोग, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 क्योंकि 4 है, सो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, इसको ऐसा भी हम लोग दो दो को ये लेते हैं, दो दो जोड़ा हम लोग लेते हैं ऐसा। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू माइनस प्लस 1/4 दिस इज इक्वल टू 1/16। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, 1/16 ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। सो ये हमारा आंसर रहा। सो दोस्तों आपको मेन फॉर्मूला क्या है, मोस्टली ये फॉर्मूला यूज रहे, ए पावर एम पावर एन दिस इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन, ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली हमने यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली यही पार्ट यही बेस पे क्वेश्चन लिए है। सो आप ये फॉर्मूला याद रखे। ओके, हमने जितने भी फॉर्मूले बताए वो आपको ध्यान में रखे, सब ध्यान में रखने के आपको उसके बेस पे सॉल्व होंगे सब क्वेश्चन, आपको सब भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने जो लिखा जो भी आप लोग याद कर लेना, और आपस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बना के अपने आप खुद भी ट्राई करो, अगर नहीं सुनो तो आप हमको बताइए, कमेंट कीजिए, हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे, बताएंगे क्या रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए पावर बी इज इक्वल टू 125, देन ए माइनस बी होल क्यूब सॉरी होल पावर ऑफ ए प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, हमको फाइंड करना है ये क्या होगा। हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ए पावर बी इज इक्वल टू 125। ओके, सो हमको सबसे पहले ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो जाकर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो निकालते हैं यहाँ पर, ए पावर बी इज इक्वल टू, हम लोग 5 को ऐसा भी कर सकते हैं, 5 क्यूब भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 × 5 दिस इज इक्वल टू 125, राइट। सो 5 क्यूब कर सकते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो 5 क्यूब भी हमारा बेस क्या है, 5 है,
बेस 5 और हमारा पावर क्या 3 है, तो हम लोग तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, सो हमको ए और बी का वैल्यू पता हो गया है, तो हम एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सो ए माइनस बी होल पावर ऑफ ए प्लस बी माइनस 4, वैल्यू पुट करते हैं ए पावर ए और बी की, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 3, पावर में क्या है ए की वैल्यू 5 प्लस 3 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो 5 माइनस 3 2, टू द पावर 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 4, तो टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या 2 पावर 4 इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट 16, सो हमारा आंसर हमारा क्या आया 16। सो ऑप्शन आपसे कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। सो आपको ये फॉर्म में बनाने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, अगर कोई भी नंबर दिया है आप लोग ध्यान से पढ़िए, मतलब ये लोग को किसको हम कौन से फॉर्म में क्यूब या कौन से फॉर्म में हमको इस ऐसा सेट करेंगे कि हमारा ए और बी का दोनों का वैल्यू फाइंड हो सके, तो हमको इस क्योंकि हमारा जो पावर में फॉर्म दिया था हम किसको पावर में करें तभी तो हमारा वैल्यू फाइंड होगा ना, तो हमने ऐसा किया ए पावर बी दिस इक्वल टू 5 क्यूब, और यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पर बी दिस इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, अगर कोई भी यहाँ पे दिया हुआ है ए पावर बी दिस इज इक्वल टू होता है, या ऐसा भी बोलते हैं यहाँ पे जो भी नंबर्स रहेंगे 1, मैंने मान लिया यहाँ पे 2 पावर 5 कर दिया, तो यहाँ पे जो बेस होता है बेस इज इक्वल टू, अगर हमको ए का वैल्यू फाइंड करता है बेस इज इक्वल टू ये जो नंबर होता है ये बेस के बराबर होता है, और ये जो पावर रहेगा जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं ये हमारा पावर के बराबर होगा, तो बी इज इक्वल टू 5 ए इज इक्वल टू 2, सो यही बेस हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, सो हमारा आंसर क्या है 16 आया। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 16 टू द रेज ऑफ 3/2 इज इक्वल टू वॉट, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 16 पावर 3/4 इज इक्वल टू वॉट, सो सोचिए 16 को हम लोग जो भी हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है क्वेश्चन वो लिखते हैं 16 रेज बाय 3/4, सो 2 को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना 2 पावर 4 कर सकते हैं ना, डेफिनेट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने 125 को हमने किया था 5 इंटू 5 क्यों किया था, सो इसको हम लोग ऐसा भी करते हैं 2 पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 × 4 × 8 × 16 16 है ना, तो 2 पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4, अभी हमारा क्या हो गया यहाँ पे ए की वैल्यू बताओ और यहाँ पे क्या ए पावर फॉर्मूला वो ए पावर एम होल पावर एन दिस इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन, तो हमारा ये सब फॉर्मूला के बेस पे आ गया, तो हम सॉल्व करते हैं इसको 2 पावर 4 इंटू 3/4 ए पावर एम प्लस एम इंटू एन, तो हम सॉल्व करते हैं 4 × 4 तो 2 क्यूब हमारा आया 2 क्यूब विद व्हाट 8, सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आया 8, सो ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर आपको क्यूब के जितने भी हमने फॉर्म बताए जो जितने यही बताए हम लोग फॉर्मूले वो आपको ध्यान देना है। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रैकेट में है 0.01024 होल पावर ऑफ 1/5 इज इक्वल टू, हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या आएगा हमको फाइंड करना है, हमने एक बहुत से क्वेश्चन चलिए यहाँ पे पॉइंट भी दिया है, सबसे पहले इसको पॉइंट हम लोग क्या करेंगे रेशनल नंबर में करेंगे कन्वर्ट करेंगे, सो 0.0104 होल पावर 1/5, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं रेशनल में करेंगे हम लोग इसको, तो 0 पॉइंट हमने के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5, मतलब 1/0 1024 हटाने के लिए हम लोग क्या डिवाइड करते हैं कितने नंबर से जितने यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने नंबर उतना, तो 1 के बाद कितना यहाँ पे पॉइंट है ना, तो सोचे पे 1 लिखेंगे 1 के बाद पॉइंट के बाद कितना यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ओके, सो ये हमारा हो गया होल पावर ऑफ 1/5 ओके, 0 क्योंकि हमने पहले बताया था कि 0 1 से लेफ्ट साइड में कोई कितना भी 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सो इसको हम लोग बोलते हैं 1024/1000000 ओके, सो 1/5 इसको हम लोग इसी करेंगे, अभी आपको अभी ये आता है ये
एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ, मैं आपको बता दूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। मैंने आगे के जो क्वेश्चन है ना, मैंने परफेक्ट स्क्वायर, अब इसको हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको 5 1/5 देना है, तो हमको 5 के फॉर्म में, मतलब पावर हमारा 5 आता है, वैसे करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर करेंगे इसको। सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 1024। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 18, सॉरी 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। ओके, हमको कितने कितना हमारा जो पावर हमें, क्योंकि हम 5 मिलाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे 5 करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5। सो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 into 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 2 कर सकते हैं ना। 2 into 2 4 4 into 4 into 4 into 4 into 4। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4.45 कर सकते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बताया था आपको कि अगर बेस हमारा इक्वल है तो जितने भी पावर्स रहेंगे आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो हमारा 1 2 3 4 5 तो जुड़ जाएंगे, तो 4.5 लिखते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको, अभी हमारा मेन हमारा कॉन्सेप्ट मिल चुका हमको। सो इसको करेंगे 4.5, 4 पावर 5 अपॉन, यहाँ पे हमारा दिया हुआ 1 लाख दिया, तो 1 लाख हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 10 into 10 into 10 into 10 into 10 कर सकते हैं। ये भी 5 को होगा, क्योंकि वो भी 5 के फॉर्म में, इसको 1/5 को हम ऐसा करेंगे कि हमारा जो फिफ्थ फिफ्थ रूट है हमको हटाना है ये। सो उससे में इसको हम लोग फॉर्म में करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग ऐसा भी कर 10 पावर 5 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इसको करते हैं 10 पावर 5, अभी होल पावर दिया है 1/5, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ए पावर। इसको हम लोग ऐसा भी करते हैं, 4 पावर 4/10 इज पावर 5, होल पावर 1/5 कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया है 4/10 इज होल पावर 5 into 1/5 कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना, a पावर m into a पावर होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m into n, तो m into n 5 5 कट गया 1। सो 4/10 हमारा आया, 4/10 पावर 1 दिस इक्वल टू 4/10। 4/10 हम लोग अगर भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.4 आएगा। तो हमारा 0.04 हमारा ये आंसर हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। सो ये क्वेश्चन है, ये है दोस्तों क्वेश्चन जो भी बहुत इजी है, पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कौन से फॉर्म में हमको पुट करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। सो हमको सबसे पहले ध्यान देना कि कौन से यहाँ पे पावर कौन सा दिया है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करें कि ये पावर हमारा हट जाए। जब पावर हटेगा तभी तो हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा ना। सो हमने ऐसे फॉर्म में किया तो जबकि ये हटा। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, 16 पावर 3/2 प्लस 16 पावर -3/2 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो हम भी सेम इसको जैसे हम लोग पहले ही करते हैं, हमको 3/2 हटाना है। मतलब हमारा जो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हमको डिनोमिनेटर हटाना है कि क्यों, तो हमारा ये हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अपन 3/2 का सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ए पावर एम पावर एन के फॉर्म में लाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनता है ए पावर एम इंटू एन होगा। तो हमको यही फॉर्म में लाना है। तो हम 16 के क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग 16 को 2 पावर 4 कर सकते हैं ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 8 2 16, तो 2 पावर 4 कर सकते हैं, यस। तो 2 पावर 4 होल पावर 3/2 कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2 पावर 4 होल पावर 3/2। अभी हमारा फॉर्म में बन गया ए पावर एम होल पावर एन, ये एम हो गया, ये एन हो गया, एंड प्लस इसको भी सेम करेंगे, 2 पावर 4 होल पावर -3/2। ओके, सो सॉल्व करते हैं,
टू पावर सेम ये भागे एम इंटू एन, फोर इंटू थ्री बाई टू प्लस टू पावर फोर इंटू माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि माइनस दिया हुआ, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो थ्री इंटू टू क्या होगा सिक्स, टू पावर सिक्स प्लस टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू पावर थ्री इंटू टू सिक्स, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस आएगा, सो थ्री थ्री इंटू टू, तो माइनस थ्री इंटू टू करेंगे तो माइनस सिक्स आया। तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले हम वैल्यूज का निकाल, 2.6 क्या है, सो 2.6 हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 2.6 को 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्स हुआ, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौंसठ 64 प्लस। इसको हम लोग ऐसा भी, यहाँ पे हमने पहले बताया था आपको, अगर कोई भी वैल्यू दिया ए अपान ऐसा भी दिया ए पावर माइनस एम, इसे करते होता है ए पावर सॉरी ए बाई ए पावर एम, मैंने आपको पहले बताया था एक टाइप के, मैंने ऐसा बताया था आपको ए पावर एम दिया है, तो हम लोग इसको ऐसा भी करते हैं ए पावर माइनस एम करते हैं, तो हमारा ये फॉर्म में दिया हमको ये फॉर्म में लाना है, तो हम इसको ऐसा भी करते टू पावर कर सकते सिक्स, वन बाई टू पावर सिक्स डेफिनेटली कर सकते हैं, सो हमारे टू पावर सिक्स का वैल्यू हमारा क्या आ रहा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस वन बाई सिक्सटी फोर, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हमारा न्यूमरेटर 64 है डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 64 आएगा, ओके 64 को 1 से करेंगे 64 बार जाएगा, तो 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 64, 4 4 जा 61, 4 6 जा 24, 24 1 25, ओके 6 4 जा 24 टू सिक्स सिक्स जा 36, 36 और टू 38, सो यहाँ पे जोड़ने कितना 6 9 0 8 टू 10 0 3 1 4 4 0 9 6 हमारा, तो मैंने यहाँ पे क्या आया 4096 प्लस 64 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 करेंगे 1 आया यहाँ पे दिस इक्वल टू 1, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा 4097 बाई 64। अभी लोग ये कैसे हम लोग करते हैं बताते हैं आपको मैं, अगर कोई भी यहाँ पे जो हमारा जो एलसीएम आया, हम लोग एलसीएम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा 64 जाएगा, तो जाके 64 कटेगा बराबर, तो ये जो हमारा जो कोशेंट आता है ना, कोशेंट को हमारे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके हमारा ये वैल्यू आया है, कोशेंट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर से, तो हमारा ये आया है एलसीएम एचसीएम के हैं अपने प्लस माइनस के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे फिर बताता हूँ आपको मैं, सो 64 इंटू 64 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आया एन प्लस वन, अभी हमारा 64 यहाँ पे दिया हुआ है और हमको डिवाइड कैसे करना है 64 से करना है, तो कितने बार वन बच जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या वन आ रहा है, तो वन इंटू न्यूमरेटर कितना वन, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, सो जोड़ देते हैं 14097 डिवाइड बाई 64, सो हमारा ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो हमारा ऑप्शंस भी सही है, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, ओके क्वेश्चन नंबर एट दिया है, क्वेश्चन दिया है रूट ऑफ एट माइनस रूट ऑफ फोर माइनस रूट ऑफ टू, ओके सॉल्व करते हैं इसको, इसको हम लोग पहले इसको हम लोग क्या करेंगे पावर में करेंगे, ऐसे करेंगे रूट टू क्यूब हम लोग कर सकते हैं या हमेशा भी करते हैं टू इंटू टू इंटू टू कर सकते हैं, तो टू इंटू टू हमारा क्या होगा स्क्वायर में आ जाएगा टू स्क्वायर एंड माइनस टू इंटू टू एंड माइनस रूट टू, तीनों में हम लोग सबसे पहले हम लोग कॉमन तीनों में क्या आ रहा है रूट टू कॉमन आ रहा है क्योंकि रूट टू हम लोग, तो रूट टू यहाँ पे क्या बाहर ले लेंगे रूट टू, ओके सो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है रूट टू इंटू टू टू स्क्वायर, टू स्क्वायर दिस इक्वल टू टू क्योंकि रूट है ये हम लोग टू स्क्वायर करते हैं और ये रूट है, तो रूट का मतलब होता है यहाँ पे वन बाई टू होता है, तो करेंगे अगर फॉर्म में करेंगे इसको हटाएंगे तो इंटू वन बाई टू होगा वन दिस इक्वल टू टू माइनस, यहाँ पे एक रूट टू गया है यहाँ पे कितना बचेगा माइनस सॉरी यहाँ पे बचेगा टू
और यहाँ पे रूट टू, सॉरी यहाँ पे रूट टू गया तो यहाँ पे बजेगा रूट टू। और ये हम लोग इसको ऐसे थोड़े सॉरी सिंपल करते हैं, इसको ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसे करेंगे इसको कि हम लोग तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, टू इंटू टू कर सकते हैं, टू रूट टू कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा टू कॉमन हो गया तो दो हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी रूट को हम लोग ऐसा करेंगे सिंप्लीफाई करें, टू स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे टू करेंगे बराबर, और यहाँ पे एक दिया है तो रूट टू ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अरे भाई रूट टू इंटू टू इंटू टू है तो हमारा टू स्क्वायर हो जाएगा, टू स्क्वायर होगा तो वो टू स्क्वायर अगर हम लोग ये फॉर्म में करें, ए पावर एन, पावर एन करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा टू, एम हो जाएगा टू स्क्वायर, टू पावर टू हो जाएगा, होल पावर क्या है इतना, यहाँ पे स्क्वायर ये है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 करते हैं, करते तो कट जाए हमारा दो आया, तो दो को हम लोग यहाँ पे लिए बाहर ले लिया तो हमारा क्या बचा रूट टू बचा, तो टू रूट टू कर सकते हैं कर सकते हैं माइनस, यहाँ पे क्या 4 है तो 2 स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 जैसे कि हमने बताया, तो 2 इन माइनस रूट, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे ये क्योंकि सॉल्व होगा नहीं, माइनस रूट टू हमारा क्या है यहाँ पे रूट टू, रूट टू यहाँ पे दिया जैसे होता है हमारा ए प्लस टू ए या ए माइनस टू ए, तो होता हमारा यहाँ पे प्लस जो बड़ी हमारा बड़ा क्या है यहाँ पे माइनस टू है, तो माइनस टू में से ए अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि माइनस में से जो जोड़ेगा ना तो यहाँ माइनस घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस से होता है बराबर, तो यहाँ पे अगर सिंबल प्लस है तो टू, क्योंकि हमारे रूट क्या हमको इसको ए मान लेते हैं ठीक है, ए मानते हैं, तो यहाँ पे दिया है टू ए माइनस टू माइनस ए, टू ए में से ए अगर घटाते कितना आएगा ए आएगा, उसका माइनस यहाँ पे टू दिया हुआ है, इसको हम कुछ लेना है तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू हमारा क्या है रूट टू है, तो रूट टू माइनस टू हमारा ये आंसर आ गया, तो ऑप्शन कौन सा, हमारा ऑप्शन बी सही है। सो ये टाइप क्वेश्चन लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर में करेंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, तो टू स्क्वायर करेंगे हमको रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे तो टू इंटू टू लिख सकते हैं एट को, फोर को हम लोग टू करते हैं रूट को टू ऐसा ही रहने देंगे, तो हमारा ये बेस भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हमारा ये आंसर है ऑप्शन बी इसका सही है। सो आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 635202 मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट नंबर। हाँ अभी यहाँ पे पूछा है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट सॉरी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता, मैंने एक बार पहले प्रीवियस एक क्वेश्चन था 1024 के था, उसको मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने बता नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा उसमें कन्वर्ट नहीं किया, वहाँ पे पावर के बेस में था, तो हमने सोचा जिसको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया अगर यही है 1024 ही है, अगर इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, ये जो नंबर आएगा ना इसका जो भी ये वैल्यू आएगा, सपोज इसको हम लोग मानते हैं एक्स मान लेते हैं, और इसका दो फैक्टर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर होता है, तो हम स्क्वायर कैसे भी कर सकते हैं, ये जो भी वैल्यू आएगा जैसे बताते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं ए इंटू ए करते बराबर, तो हमारा जब ए इंटू ए यहाँ पे दो ऐसा वर्ड रहेगा ए इंटू ए रहेगा तो हमारा ए स्क्वायर रहेगा, तो जो ये डेफिनेटली जो पूरा आएगा यहाँ पे कोई रिमाइंडर जीरो बचता है, रिमाइंडर एक भी रिमाइंडर ना बचे जीरो रिमाइंडर रहेगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यही एग्जाम्पल एक बताऊँ 1024, अभी कैसे हम लोग निकालते हैं इसको, एक होता है डिविजन मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए, तो 1024 इसको लोग सॉल्व करें डिवीजन मेथड क्या होता है, अगर कितने भी नंबर यहाँ पे अगर 5 नंबर दिए हैं तो हमारे यहाँ पे ना जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब कैसा होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, अगर 5 है तो पहले 1 का जोड़ा बनेगा फिर 2 का फिर 2 का, अगर 6 है तो 2 2 2 मीन्स जोड़ा बनेगा, आपको 7 रहेंगे तो 1 2 2 2 2 ऐसे बनता जाएगा, तो अभी हाँ क्योंकि हमारे जोड़ा है तो हमको जोड़ा को सॉल्व करने के लिए कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी यहाँ पे आपको स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला को याद है, जैसे अगर 1 स्क्वायर होता है 1 होता है 2 स्क्वायर होता है 4 होता है 3 स्क्वायर होता है 9 होता है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 स्क्वायर जाएगा 4 कम आ रहा है 3 स्क्वायर 9 इससे कम है तो हम लोग 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग 3 और इसके ऊपर हमारा ये हमारा कोशेंट ये हो गया 3 3 9 ओके माइनस 1 आया यहाँ पर, अभी जो हमारा कोशेंट यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे, आप ध्यान से देखो जो भी हमारा क्वेश्चन जाएगा ना यहाँ पे हमारा प्लस होगा, तो प्लस 3 3 बार लेंगे हम लोग 3 हो गया, अभी जोड़ देंगे इसको कितना आया 6 आया बराबर, ध्यान से देखो और यहाँ पे कितना आया 1, और अभी यहाँ पे कैसे हम लोग जो नॉर्मल अगर भाग देते हैं ना तो हमारा सिंगल नंबर होता है, तो हमारा जो परफेक्ट अगर चेक करेंगे हम लोग डिविजन मेथड से
तो हमारा जितने भी नंबर यहाँ पे जोड़ा, जो जोड़ा नंबर आएंगे ना वो साथ में ही उतरेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 224 है, तो यहाँ पे 24 साथ में उतरेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे कि 124, जैसा कि हमने यहाँ पे चेक किया था 3 स्क्वायर के हमने 9 हुआ बराबर, या 3 3 का 9, ऐसा भी 3 स्क्वायर भी हम बोलते हैं। सेम इसको हम लोग कितनी बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड होते ना, अभी यहाँ पे 3 था हमने लिया, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 रखा, तो यहाँ हमारा 3 नीचे आकर जुड़ गया, 6 हो गया। ऐसे हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कौन सा होगा जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा डिवाइड भी हो जाए और हमारा जो रहेगा ये नीचे छूट भी जाएगा। तो हम अगर वन ले, हमें अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 से करेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा, 61 × 1 करेंगे 61 होगा जो कि हमारा छोटा है। 2 से करेंगे, हमें 2 से लेते हैं तो यहाँ पे 62 हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे लेंगे हमको वो भी ये नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो हमारा ऐसा सॉल्व होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 यहाँ पर 2 लिख दिया तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, हमारा देखो पूरा डिवाइड होगा, पूरा जीरो हमारा, तो ये 2 जोड़ देंगे 64। हमारे को ये वाली नहीं, हमारा जो ये होता है जो क्वेश्चन तो हमारा ये होता है, यही हमारा होता है परफेक्ट। तो 32 को लोग 32 32 इंटू 32 करेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं नॉर्मल, हम लोग जो डिविजन ये होता है सिंप्लीफिकेशन में, इसको डिविजन बोलते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, और ये हमारा डिवाइजर होता है और हमारा रिमाइंडर होता है। तो परफेक्ट को चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, हमारा रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो है तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ, हमको चेक करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, ये नंबर जिसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना, जैसे अभी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर से करें ना, अभी यहाँ पे सपोज हमारा कोई रिमाइंडर 1 आ गया, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो हमको चेक करना है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं ये सबसे इसको हम करते हैं डिवीजन मेथड से, 6 3 5 2 0, ओके यहाँ पे लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 5 1 2 3 4 5, वन टू थ्री बताया था ना मैंने आपको कि अगर 5 है तो पहले 1 का जोड़ा सिंगल रहेगा, फिर इसको 2 2 का जोड़ा रहेगा 35 और 20 का। यहाँ पे करते हैं 2 2 जा 4, 2 बार जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना हो जाए 2 बचा, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे 4 होगा, अभी यहाँ पे 35 उतर जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है तो ज्वाइंट उतरेगा। ओके इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके अभी कितनी बार हम लोग ले जाएंगे कि ये इससे नंबर कम आए इससे ज़्यादा ना आए। ओके अगर हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, अगर 4 1 से करते हैं तो 14 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 84, ऐसे कितने बार करेंगे, 5 बार हम लोग ले जाते हैं 5 बार, तो 5 बार यहाँ से 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5, तो 5 × 5 ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 5 कर कितना, 5 × 5 15, सॉरी 25, यहाँ पे 2 बचा, 5 × 4 20, 20 और 2 22। ओके हमारा यहाँ पे कितना आया, 0 3 − 2 1 0। यहाँ पे जो नंबर था यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5, तो हमारा कितना यहाँ पे वो 50 हुआ। ओके हमारा ये दो नंबर दोनों डिजिट साथ में उतरेंगे 20। अभी इसको कितनी बार हम लोग ले जाएंगे कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरा, कितनी बार ले जाएंगे, अगर हम लोग 2 बार लेते हैं तो अगर 2 बार 5 0 2 करते हैं, 2 2 जा 4 0 2 5 जा 10, 2 बार जाएगा। ओके 2 बार ले गए तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 5 जा 22 है, 2 5 सॉरी यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 2 जाएगा। ओके 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 0, 2 5 जा 10। ओके ये दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 0 4 आएगा, अभी हमारा क्योंकि लास्ट था हमारा तो इससे कुछ लेना हमको देना है नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं तो 20 − 4 16, 10 0 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना 16 आ रहा है। ये हमारा जो रिमाइंडर आ रहा ना, अगर ये जो हमारा वर्ड है इसमें से हम लोग 16 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर तो मजा के पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने से सबसे पहले क्या, हमारा रिमाइंडर 0 जो आना चाहिए, रिमाइंडर 0 कभी आएगा, जब ये 16 नंबर नहीं रहेगा हमारा इसके बाद 0, तो ये नंबर से अगर हम 16 अगर माइनस करते हैं, 6 3 5 2 0 16 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 3 5 0 4, जो कि हमारा ये आया था 6 3 5 0 4, ये कंप्लीटली हमारा डिवाइड होगा।
अगर 252 करेंगे, 220, 252 इंटू 250 करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे 16 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर पूछा है, क्योंकि द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमारा यही ना पूछा है कि इसमें से जो नंबर सबसे कौन सा घटाएंगे, जो लीस्ट नंबर कौन सा आएगा। तो हमारा लीस्ट नंबर सबसे कम यही है, अगर इतना घटाएंगे तो हमारा जो नंबर आएगा, हमारा जो नंबर क्या आ रहा है 63504, ये हमारा कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको परफेक्ट चेक करेंगे तो हमारा ये आएगा, चेक करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जगह थोड़ा कम है, तो 63504 ये आया ना हमारा, चेक करते हैं। जैसा कि सेम ही मेथड जाएगा यहाँ पर, 1 2 यहाँ पे दो का जोड़ा जाएगा, 2 2 4, 2 हुआ यहाँ पे, 2 जुड़ गया, 4 हुआ यहाँ पे, 35 आया, कितनी बार हम लोग ले गए थे, 5 बार ले गए थे, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 10 आया यहाँ पर। ओके सो यहाँ पे कितना हमारा 00 आ गया, 04 आया। ओके कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे होगा 50 हमारा हो गया। अभी कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार 2 2 जा 4, 2 0 2 5 जा 10, हमारा 0 आ गया ना। तो हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा था, आपको यही पूछा है कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसमें से अगर ये नंबर घटाएंगे और जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने इसको माइनस किया 16, तो हमारे परफेक्ट होता हमारा क्या पूछा है कि वो जो नंबर आएगा, जो लिस्ट नंबर है, हमको वही फाइंड, हमारा 16 लिस्ट नंबर, हमारा नंबर क्या 16 है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, 16। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन हमको ऐसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे लिस्ट नंबर पूछ रहा है, अगर इसका हम स्क्वायर सोचो, इसका चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे को चेक करना परफेक्ट स्क्वायर है। ये जब जो रिमाइंडर इसमें से जो आएगा माइनस करेंगे, तभी जो माइनस करेंगे तभी जो नंबर आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। तो हमको चेक करने के लिए ये हमारा मेथड है, डिविजन मेथड। सो हमारा ये आंसर हुआ 16। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम जो 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम ऐसा ही है। तो सर जो हम फाइंड करेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो सबसे 5 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999, ये हमारा होता है 5 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। अभी इसने वही दिया विच इज अ परफेक्ट नंबर, इसको चेक करना क्या ये परफेक्ट नंबर है। चलिए देखते हैं, हम लोग वो मेथड सॉल्व करेंगे जैसे किया था पिछले डिविजन मेथड से। तो यहाँ पे 5 है, तो 1 2 2, ओके सो कितने बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 3 जा 9, 0 हो गया, कितना उतरा 99 साथ में उतरेगा, 3 3 जोड़ देंगे कितना हुआ 6 हुआ। ओके 2 बार ले जाएंगे तो 6 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 2 4 2 6 जा 12, तो नहीं जाएगा 1 बार जाएगा, 1 बार लेते हैं तो 61 into 1 61, 9 9 minus 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 जाएगा 3, सो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे कितना हुआ 62 हुआ। अभी साथ में दोनों नंबर आएंगे 99। ओके हम लोग कितनी बार ले जाएंगे कि ये कम्प्लीटली इससे कम रहे, से ज़्यादा ना हो या पूरा डिवाइड हो सके, तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे लोग 6 बार ले जाते हैं, चेक करते बार 6 बार ले जाएंगे, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो हम लोग एक गैस करते हैं 6 बार लेते हैं, तो 6 बार लगे 6 into 6 36 3 6 2 जा 12 12 and 3 15 6 6 जा 35 sorry 36, तो इससे कम है, आसानी से हो जाएगा। माइनस करते हैं, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2 3 0। हमारा रिमाइंडर कह रहा है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, को ये तो चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 243। अभी गए इसमें से हम 243 अगर ये माइनस करने पिछले कैसे करता, तो जो नंबर आएगा इसमें से हम लोग रिमाइंडर माइनस करेंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। देखो हमने पिछले सॉल्व किया था, तो लोग माइनस करते हैं 9 9 9 9 9 माइनस 243 243 243 माइनस करें कितना होगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 से 5 जाएगा 4 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, ओके 9 सॉरी यहाँ पे एक मिनट 9 8 9 3 9 9, देखिए यहाँ पे मैं रॉन्ग किया 6 6 जा 36 6 2 जा 12 और 3 15,
तो 6 से 30 से यहाँ पे 37 होगा। हमने यहाँ पे जो एक इसका आ रहा था वर्धन एक नंबर हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे 143 सॉरी यहाँ पे 143 होगा रिमाइंडर हमारा, तो 143 यहाँ पे करेंगे माइनस करेंगे तो होगा यहाँ से 9 में से 1 गए 8, 9 9। हमारे ये हमारा आंसर रहेगा, हमारा ऑप्शन सी से कौन सा फॉलो करता है, हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो कि हमने निकाल लिया है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा, जब इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जब इसको डिवीजन में सॉल्व करेंगे हमारा जो रिमाइंडर आएगा अगर कम्प्लीट हो जाएगा तो कम्प्लीट पूरा स्क्वायर है ये, फिर हमको कोई यहाँ पे ऑप्शन जो भी देंगे तो हमारा ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 143 है तो हमको कैसे चेक करेंगे, जब तक हम लोग ये जो हमारा जो नंबर्स दिया हुआ 5 डिजिट इसमें से हमारा रिमाइंडर माइनस करें तभी तो हमारा पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हमने जैसे पिछले सॉल्व किया था हमने जो नंबर हमारा दिया था उसमें से ये निकाले तो हमारा जो आया था नंबर वो कम्प्लीट ये था स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर था, तो वही जो नंबर आया था वही नंबर यहाँ पे फाइंड पूछा है क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए हुए तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये टाइप का क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया है आपको फाइंड पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान में रख के हम लोग पूछा है। अगर सपोज यहाँ पे दे दिया कभी कभी पूछता है ये नंबर दिया हुआ है और आपको पूछ ले परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो सिंपली ऐसा करेंगे अगर रहेगा तो यहाँ पे देख ऑप्शन दे गए, अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे दिया रहेगा तो यहाँ पे अगर पूछ लिया कहीं रिमाइंडर यहाँ पे जीरो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर क्या जीरो होता है, तो यहाँ पे ऐसा देखिए रिमाइंडर व्हाट रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट विल द रिमाइंडर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन देंगे 0 1 2 3 कुछ रहेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, तो हमारा जीरो सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन जैसे पूछा हमने यहाँ पे आंसर निकाला। सो दोस्तों आज का टॉपिक था इसका, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने लाइक इसको लाइक करो शेयर करो, और जिस किसी फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जितने हम लोग वीडियो यहाँ पे बनाते हैं जितने आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं आपको इजीली आपको मिल सके और आप देख सको और इसको सॉल्व कर सको और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सको। और जो जिस किसी फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे कमेंट में आपको सॉल्व बताएंगे, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करो, हम लोग जो भी रहेगा आगे ये टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट कीजिए हम लोग बताएंगे आगे क्या होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स इट एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।